नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला डॉट कॉम और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। आमतौर पर 1857 की क्रांति के बारे में पूरा देश जानता है, इतिहास में इसके बारे में अच्छे से पढ़ने को मिलता है, लेकिन उसी दौर में हैदराबाद में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में कम ही पढ़ने को मिलता है। हालांकि एक नाम जरूर चर्चा में रहता है और वो है तुर्रम खां, या फिर उसे तुर्रम खान भी कहा जाता है। शकुनी, जयचंद, जुमला जीवी, सांड, अंटशन, ऐसे कई शब्दों को असंसदी यानी कि अमर्यादित माना गया है। मतलब इनका इस्तेमाल संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में नहीं होगा। अगर कोई सदस्य इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। और अमर्यादित शब्दों की लिस्ट में एक नाम तुर्रम खां भी है। जी हाँ, वही नाम जिसका इस्तेमाल लोग बड़ी बहादुरी या थोड़ी शेखी बघारने के लिए करते हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना भी होगा, वाह तो यार बड़ा तुर्रम खां है, बनता फिरता रहता है। तुर्रम तो बड़े तुर्रम खान तुम बन रहे हो, इतना बड़ा तुर्रम खां तो मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा। जैसे ही असंसदीय शब्दों की इस लिस्ट के बारे में पता चला, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तुर्रम पर कुछ लोगों ने कहा कि इससे क्या गलत हो सकता है। कुछ लोग तो गूगल पर तुरंत जाकर के तुर्रम खान सर्च करने लगे। आखिर क्या सच में कोई तुर्रम खां था? इस नाम के पीछे की कहानी क्या है, चलिए आपको आज बता ही देते हैं। ये कहानी है आजादी से तकरीबन 100 साल पहले की। वह दौर था 1857 की क्रांति का, जगह थी हैदराबाद। यहां भी एक लड़ाई लड़ी गई जिसके बारे में इतिहास में कम ही जिक्र मिलता है। पन्ना पलटने पर तुर्रेबाज खान का नाम कहीं कहीं पता चलता है, जिसे बेगम बाजार का एक साधारण सैनिक बताया गया है। हालांकि उनका काम असाधारण रहा, उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमला करने के लिए तकरीबन 6000 के आसपास लोगों को इकट्ठा कर फौज तैयार की थी। उनकी वो कोई तस्वीर या स्केच उपलब्ध नहीं है। इतिहास को झांकने से ऐसा लगता है कि जैसे तुर्रेबाज खान 1857 के विद्रोह के साथ जन्मा और उसी के साथ इतिहास में दफन हो गया। ऐसे में आज की पीढ़ी के लिए यह जानना और भी बेहद जरूरी हो जाता है कि हैदराबाद का तुर्रेबाज खान कौन था। वास्तव में तुर्रेबाज खान वह शख्स थे जिन्होंने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मानचित्र पर हैदराबाद का नाम दर्ज करवाया। मेरठ की कहानी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन हैदराबाद में भी 1857 के विद्रोह की अपनी एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस लड़ाई का नेतृत्व किया था तुर्रेबाज खान ने, उन्हें ही तुर्रम खां के नाम से जाना जाता है। उनके साथ थे मौलवी अलाउद्दीन, हैदराबाद में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की ज्वाला जमींदार जिंदा खान को आजाद कराने के लिए सुलगी थी, जिन्हें रेजिडेंसी के अंदर जेल में रखा गया था। मेरठ में बगावत की खबर हैदराबाद पहुंच चुकी थी और मस्जिदों, चर्चों, चौराहों पर हर जगह पर पोस्टर लगाते हुए निजाम और आम जनता से अपील की गई कि वे सभी ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हों। हालांकि निजाम अफजल उद दौला और उसके मंत्री सलार जंग ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों के खिलाफ तुर्रेबाज और उनके साथियों के गुस्से को बड़ी वजह निजाम का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ देना बताया जाता है। उनके साथ जो समझौता हुआ था उसको बताया जाता है। निजाम की सेना और ईस्ट इंडिया कंपनी में मौजूद भारतीय सिपाहियों ने यूरोपीय अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। उनमें जमींदार जिंदा खान भी थे। उस समय हैदराबाद में मौजूद सेना की टुकड़ी को दिल्ली कूच करने को आदेश दिया गया था। जिंदा खान ने इसका विरोध किया, इसे विदेशियों द्वारा मुगल शासक को सत्ता से हटाने का प्रयास समझा गया। जिंदा खान 15 अन्य सिपाहियों के साथ हैदराबाद के लिए निकल गए। उन्हें उम्मीद थी कि निजाम सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही वह हैदराबाद में दाखिल हुए, निजाम के मंत्री मीर तुराब अली खान ने गिरफ्तार कर उन्हें अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। बगावत का झंडा बुलंद करते हुए तुर्रेबाज खान ने क्रांतिकारियों को एकजुट किया। इसमें कई अरब के छात्र भी शामिल हुए थे और इसी दौरान मौलवी अलाउद्दीन भी तुर्रेबाज के साथ हो गए। इसके बाद हुआ एक विध्वंसक युद्ध और इस युद्ध में इन जवाजों पर मद्रास हॉर्स आर्टिलरी के प्रशिक्षित सैनिक भारी पड़ रहे थे। पूरी रात फायरिंग चलती रही। सुबह तकरीबन 4 बजे तक क्रांतिकारियों ने मोर्चा संभाला और फिर शहादत की ओर निकल पड़े। रेजिडेंसी से लगातार होती फायरिंग देख 2 हवेलियों में छिपे लड़ाके भाग निकले। चारों तरफ शव ही शव बिखरे पड़े थे।
तुरेबाज ये सोचकर भाग निकले कि वह अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा करके फिर से लौटेंगे। 22 जुलाई वो दिन था जब तुर्रेबाज या तुराब अली खान ने अंग्रेजों को तुर्रेबाज के बारे में सूचना लीक कर दी। तुर्रेबाज को उनकी आंख के पास मौजूद निशान से पहचान लिया गया और जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद कोर्ट में मुकदमा चला और आजीवन सजा काटने के लिए अंडमान भेजने का फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान उनसे मौलवी अलाउद्दीन के बारे में सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन एक सच्चे देशभक्त की तरह उन्होंने जुबान नहीं खोली। उन्हें ऑफर भी दिया गया कि अगर वह मौलवी के बारे में जानकारी दे देंगे तो सजा कम कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने सारे आरोपों को अपने ऊपर ही ले लिया। तुर्रेबाज बेहद पराक्रमी और तेज तर्रार थे। काला पानी की सजा काटने के लिए उन्हें भेजा जाता उससे पहले ही 18 जनवरी सन 1859 को वह जेल से भागने में कामयाब रहे। उन पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। इतिहासकार ये मानते हैं कि वह धोखे से जंगल में पकड़ लिए गए और 24 जनवरी को उन्हें घेर कर गोली मार दी गई। उनके शव को शहर में घसीट कर घुमाया गया। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि उनके शव को कपड़े हटा करके रेजिडेंसी के पास लगे पेड़ से टांग दिया गया था। इस क्रूरता के पीछे अंग्रेजों की मंशा यह थी कि अंजाम ये देखकर कोई दोबारा विद्रोह की जरूरत नहीं कर सकेगा। इस तरह बेगम बाजार के रहने वाले रुस्तम खान के बेटे तुर्रेबाज एक योद्धा की तरह जिए और एक बड़े मकसद के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। 1857 के विद्रोह की याद में कोटी बस स्टैंड के पास एक मेमोरियल भी बनाया गया है, जिस पर तुर्रेबाज खान को नाम दी जो है वो दिया गया है। हैदराबाद में उनके नाम पर रोड भी है। सरकार ने भले ही संसद में इस शब्द को असंसदीय करार दिया है, पर अगली बार कोई तुर्रम खां बोलकर कोई बात कहे तो गर्व महसूस कीजिएगा कि देश का वो ऐसा बहादुर योद्धा था जिसने मौत को गले लगा लिया लेकिन कभी गद्दारी नहीं की। तो ये कहानी हमने आपको बताई तुर्रे खान की, जिसे अब असंसदीय शब्दों की लिस्ट में डाल दिया गया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए amarujala.com। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।